Jai Hind friends, this is Munish Kumar and I welcome to all of you in this video. So friends, in this video, we are going to learn about some sentences which are frequently used by the students in the classroom conversation. So students, classroom mein kai kuch sentences aise hote hain jo hum frequently use karte hain. Like, hum apne doston ko poochte hain ki hello, aap kaise ho? Isi tarah, agar hamari notebook ghar pe reh jaye, तो हम कहते हैं कि मैं अपनी नोटबुक घर पर भूल गया हूं सर. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. इसी तरह एक और सेंटेंस होता है कि सर वो मुझे तंग कर रहा है. जैसे साथ का आपका कोई फ्रेंड है वो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, तो हम सर के पास जाके शिकायत लगाते कि सर या मैम वो बच्चा मुझे जो है वो जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे तंग कर रहा है. इसी तरह हम कहते हैं कि क्या आपके पास दो पेन है. कई बार आप पेन घर पर रह जाता है तो आप अपने फ्रेंड से जब पेन मांगना हो कि पेन क्या आपके पास दो पेन है, मेरे दोस्त क्या आपके पास दो पेन है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. इसी तरह एक और, जब हमने किसी से अपनी किसी से नोटबुक मांगनी हो होमवर्क पूरा करने के लिए, तो हम कहते हैं मुझे अपनी नोटबुक दे दो प्लीज़. ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह बोलेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. इसी तरह एक और सेंटेंस है, जब हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो. तो एक और सेंटेंस है कि मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, कि मेरा होमवर्क, ये जनरली हम यूज़ करते हैं क्लासरूम में जब सर हमारे से या मैम हमसे पूछते कि आपका होमवर्क पूरा हो गया, कि नहीं मैम अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है आज हम, यही हमारा टॉपिक है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट classroom conversation for students. I have prepared some sentences which we generally use in classroom conversation. So this is very beneficial video for the students. Students ke liye bahut beneficial video hone ja rahi hai, to is video ko ant tak zarur dekhiyega. To chaliye aage badhte hain. Is video ko shuru karne se pehle main request karunga ki agar aapne abhi tak mera channel subscribe nahi kiya तो आज ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुनीश कुमार द एजुकेटर. जो मेरा चैनल है मुनीश कुमार द एजुकेटर के नेम से, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से हेल्प मिल सके और वो एजुकेट हो सके. सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. चलिए हम सेंटेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम सेंटेंसेस यहाँ पे सीख रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लो और साथ साथ में बोलने की भी प्रैक्टिस करो. बिकॉज लैंग्वेज नीड्स फोर स्किल. लैंग्वेज की चार स्किल होती है बेटे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सो मैं बोल रहा हूँ तो आपकी लिसनिंग तो हो ही रही है, इसके साथ साथ आप बोलिए, साथ साथ जो सेंटेंसेज होंगे तो आपकी स्पीकिंग होएगी, और आप पढ़ भी रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपकी रीडिंग भी हो रही है, और साथ साथ में अगर आप राइटिंग का काम करो, इसको नोट डाउन करते रहो, तो आपकी राइटिंग भी हो जाएगी. तो चारों स्किल्स आपकी काम करेंगी. दो स्किल्स मैं करवा रहा हूँ, लिसनिंग और रीडिंग की. दो स्किल्स पे आप काम करिए, स्पीकिंग एंड राइटिंग की. सो जो जैसे जैसे पीपीटी आगे बढ़ रही है, आप इन सेंटेंसेस को बोलते जाइए और साथ में लिखते भी जाइए प्लीज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो. सुबह की नमस्कार. तो जब हम स्कूल में जाते हैं सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, नमस्कार अपने शिक्षकों को, अपने टीचरों को, तो उसको क्या बोलना बेटे, गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग टीचर. ओके, लेट्स मूव अहेड. दोपहर की नमस्कार. तो सुबह, अगर हम सुबह के लिए हम गुड मॉर्निंग यूज़ कर रहे हैं, तो दोपहर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे. हाँ जी, दोपहर के लिए यूज़ करेंगे गुड आफ्टरनून टीचर्स. गुड आफ्टरनून टीचर या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, वट एवर इज़ देयर. अगर सर है तो सर, मैम है तो मैम, अदरवाइज गुड आफ्टरनून टीचर. चलिए नेक्स्ट है, कई बार टीचर आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, राइट. तो आपने बोलना है मैं ठीक हूँ सर. तो इसका आएगा मैं ठीक हूँ सर, आई एम फाइन सर, या आई एम फाइन मैम. सर की जगह के पे अगर मैम पूछ रहे तो आई एम फाइन मैम. या जनरली क्लासरूम में पहुंच के जब टीचर पूछते कि आप लोग कैसे हो, सबको पूछते इकट्ठे कि आप लोग कैसे हो, तो उसका आएगा
We are fine, sir. We are fine, sir. So students, I humbly request you, so please repeat this word sentences after me. मेरे साथ साथ ये sentences repeat करते जाइए बच्चों, ताकि आपकी practice हो सके. Okay, let's move ahead. आगे हमने बताना सब बढ़िया है, कि सब कुछ ठीक ठाक है ना. कोई पूछता है और कैसा चल रहा है, हम कहते हैं हाँ जी हाँ जी सब बढ़िया है. तो उसके लिए हमने यूज़ करना है ऑल इज़ फाइन सर एंड ऑल आर फाइन सर. तो स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का एक टॉपिक है बेटे, कि ऑल इज़ फाइन एंड ऑल आर फाइन. कहाँ पे हमने इज़ फाइन यूज़ करना है, कहाँ पे आर फाइन यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, अगर तो आपसे पूछा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने कैसे हैं, तो आपने कहना है ऑल आर फाइन सर. क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल है. जो काउंटेबल चीज़ें हैं उनके लिए ऑल आर फाइन. जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, ऑल आर फाइन सर. आपके मान लो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, ऑल आर फाइन सर, है ना. तो अच्छा, अगर पूछा जाए कि सब कुछ कैसा चल रहा है, मान लो हम कहें किसी पार्टी में गए थे, पार्टी कैसी थी, है ना, पार्टी में सब कुछ कैसा रहा, तो हम कहेंगे ऑल इज़ फाइन सर, कि सब कुछ बढ़िया है. तो ये अनकाउंटेबल के लिए इज़ और काउंटेबल के लिए आर. तो अगर आपसे फैमिली मेम्बर्स के लिए पूछ रहे हैं, या फ्रेंड्स के लिए पूछ रहे हैं, या किसी भी काउंटेबल चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, तो आप यूज़ करोगे आर, ऑल आर फाइन. और वैसे पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है ना, या प्रोग्राम कैसा था, कोई भी अनकाउंटेबल चीज़, तो ऑल इज़ फाइन. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है लेट होने के लिए सॉरी. अब लेट होने के लिए सॉरी बेटे, जब कई बार हम क्लासरूम में लेट पहुंचते हैं, पीरियड स्टार्ट हो गया होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ सॉरी फॉर बीइंग लेट सर. सॉरी फॉर बीइंग लेट सर. बीइंग लेट मीन्स लेट होने के लिए, सॉरी मीन्स माफ़ करना. ओके, लेट्स मूव इट. असल में मेरी बस निकल गई थी. भी लेट क्यों हो गया, तो उसका रीज़न कई बार टीचर पूछते हैं कि वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, देन यू कैन से एक्चुअली आई मिस्ड माई बस. एक्चुअली आई मिस्ड माई बस. एक्चुअली मिस दरअसल, आई मिस्ड मैंने मिस कर दी क्या, अपनी बस. ओके, नेक्स्ट है सॉरी सर कल मैं नहीं आ पाया. सो स्टूडेंट्स, व्हेन द टीचर इज टेकिंग अटेंडेंस, द टीचर फ्रिक्वेंटली आस्क यू दैट हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कि कल एब्सेंट कौन था, कल एब्सेंट कौन था. जब टीचर पूछता है तो आप कहते हैं सर मैं नहीं आया था. आज के बाद इस तरह नहीं आपने बोलना कि मैं नहीं आया था या मैं कल नहीं आया था. आज के बाद आपने क्या बोलना है बेटे, सॉरी सर. सॉरी सर कहा गया, सॉरी सर मैं कल नहीं आ पाया. आई कुडंट कम यस्टरडे. आई कुडंट कम यस्टरडे. सो आई कुडंट नहीं हो, नहीं सका, क्या नहीं सका, आ कम आ. आई कुडंट कम मैं नहीं आ सका. यस्टरडे मीन्स कल. आई कुडंट कम यस्टरडे. ओके, लेट्स मूव अहेड. मुझे जरूरी काम था. अब कल ना आने के कुछ एक्सक्यूजेज हम क्लासरूम में जनरली देते हैं ना बच्चों, कि मैं बुखार था, मैं बीमार था, मेरे घर में फंक्शन था, मुझे ज़रूरी काम था, इस तरह के एक्सक्यूजेस. अब हम उसी एक्सक्यूजेस की बात करते हैं. इनको भी याद कर लो, रट्टा ही लगा लो, ताकि आप पनिशमेंट से बच सको. ठीक है, तो मुझे ज़रूरी काम था. तो मुझे ज़रूरी काम था मीन्स आई हैड एन अर्जेंट वर्क. आई हैड एन अर्जेंट वर्क. मुझे ज़रूरी काम था. आई हैड एन अर्जेंट वर्क. ज़रूरी काम, अर्जेंट वर्क. नेक्स्ट है मैं शहर से बाहर गया हुआ था. शहर से बाहर बेटे, शहर से बाहर होता है आउट ऑफ स्टेशन. तो मैं शहर से बाहर गया हुआ था. आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन. आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन. मैं शहर से बाहर था. आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन. तो एक और एक्सक्यूज हम देते हैं, कल हमारी फैमिली में एक फंक्शन था. कल हमारी फैमिली में एक फंक्शन था सर, इसलिए नहीं मैं आया. तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वी हैड अ फैमिली फंक्शन यस्टरडे. वी हैड मीन्स हमें था, हमारे पास था,
क्या था? फैमिली फंक्शन, एक फैमिली का फंक्शन। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल। वी हैड ए फैमिली फंक्शन यस्टरडे। नेक्स्ट है, मैं ठीक नहीं था। कई बार हम सीधे कह देते कि कल क्यों नहीं आए थे, कि सॉरी सर मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। सो उसके लिए हम क्या कहेंगे? आई वॉज नॉट फाइन, आई वॉज नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं था, आई वॉज नॉट फाइन। सो स्टूडेंट्स इनको याद कर लो सेंटेंसेस को, अगर आप एब्सेंट रहते हो तो नेक्स्ट डे यू हैव टू गिव एक्सक्यूज इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में एक्सक्यूज देना चाहिए ताकि टीचर भी इम्प्रेस हो कि वह कहाँ से इंग्लिश सीख के आए ये, है ना। तो आपने कहना है कि सर मैं कल एब्सेंट तो था लेकिन मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने मुनीश सर की क्लास ली, वीडियो लेसन लिया, उससे इंग्लिश सीखी, तभी मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक और एक्सक्यूज़ आया कि मैं ठीक नहीं था, आई वॉज नॉट फाइन। नेक्स्ट है, मुझे सिर दर्द था। ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं, बच्चे बहुत यूज़ करते हैं कि सर मुझे कल सिर दर्द था, मैं नहीं आ पाया। तो मुझे कल सिर दर्द था, उसके लिए क्या कहेंगे? आई हैड हेडेक, आई हैड हेडेक, मुझे सिर दर्द था, आई हैड हेडेक। नेक्स्ट है, मैं बीमार था, मैं इसलिए नहीं स्कूल आया बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल, आई वॉज इल। नेक्स्ट, मुझे बुखार था, मुझे क्या था? बुखार था, तो इसका है फीवर, बुखार होता है फीवर, तो आई हैड फीवर, आई हाँ जी आई हैड फीवर, या आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये भी कह सकते हो आप, ये भी दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और आई हैड फीवर, मुझे बुखार था या मैं बुखार से सफ़र कर रहा था, मीन्स परेशान था मैं बुखार की तकलीफ से जूझ रहा था। ओके लेट्स मूव हेड। नेक्स्ट है, अब ठीक है, तो टीचर पूछते कि भाई अब ठीक हो आप, मान लो आपको हेडेक था, आई हैड हेडेक, वी हैड ए फैमिली फंक्शन, आई वॉज इल, आई वॉज नॉट फाइन, या हमने क्या कहा, आई हैड फीवर, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार था, तो टीचर तो ही पूछेगा कि अब ठीक है आपकी तबीयत, तो आपने क्या कहना है बेटे? इट इज़ ओके नाउ, या कहना है आई एम ओके नाउ, इट इज़ ओके नाउ भी कह सकते हो, आई एम ओके नाउ भी, नाउ मीन्स अब, इट इज़ ओके मीन्स ठीक है, अब ठीक है। ओके सो नेक्स्ट इज, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है सर। तो स्टूडेंट्स जब टीचर्स, व्हेन टीचर्स हैज़ टेकन द अटेंडेंस, जब टीचर ने अटेंडेंस ले ली होती है, आफ्टर दैट द टीचर आस्क द स्टूडेंट दैट वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क और नॉट, कि आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया या नहीं कर लिया। तो जनरली हम कहते हैं हाँ जी सर मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, तो उसके आपने क्या बोलना है? मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क सर, आई हैव डन माई होमवर्क सर। नेक्स्ट है, मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं है सर। तो कई बार हमारा होमवर्क बच्चों पूरा नहीं होता, तो उसके लिए क्या कहना है? My homework is not completed yet, sir. Yet means अभी, मेरा homework अभी पूरा नहीं है, My homework is not completed yet, sir. Next है, तो टीचर पूछते भाई कब पूरा होगा homework? तो आप बताओगे मैं कल तक अपना homework पूरा कर लूंगा। तो इसका आंसर है I will complete my homework by tomorrow, कल तक, I will complete my homework by tomorrow. कि सॉरी सर my homework is not completed yet. I will complete my homework by tomorrow. Kindly give me one day. मुझे एक दिन का टाइम दो. I will complete my homework by tomorrow. Next. Next, मैं अपनी notebook घर पर भूल गया सर. तो ये भी बहुत बार होता है हमारे बच्चे जो आप बच्चों बोलते हो आप कि सर मेरा काम तो पूरा है लेकिन मेरी जो नोटबुक है वो घर पे रह गई है ना। तो इसको आज के बाद कैसे बोलना है? मैं अपनी नोटबुक घर पर भूल गया सर, आई फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, माई नोटबुक एट होम सर,
आई फॉरगॉट, मैं भूल गया हूँ, माई नोटबुक, अपनी नोटबुक एट होम सर। ओके नेक्स्ट। कई बार टीचर जब बेटे आपको समझा रहे होते तो पूछते ब्लैक बोर्ड पे या वैसे बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, तो आपसे पूछता कि समझ आ गया आपको, आप अंडरस्टैंड कर गए, आपको पता लग गया जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमने बोलता है कि हाँ जी सर समझ आ गया समझ आ गया। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, आई गॉट इट सर, आई गॉट इट सर, हाँ मुझे समझ आ गया सर। या कई बार नहीं भी समझ आता तो हमने कहना है सॉरी मुझे समझ नहीं आया। तो उसके लिए बेटे बोलना है सॉरी आई डिडंट गेट इट, सॉरी आई डिडंट गेट इट। डिडंट या डिड नॉट कुछ भी आप यूज कर सकते, सॉरी मिस, सॉरी आई डिड नॉट गेट इट, मैं ये समझ नहीं सका, मुझे ये समझ नहीं आया। नेक्स्ट इज मैंने कर लिया है सर। तो कई बार बेटे टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते तो बोलते हैं भाई, टीचर पूछते किस किस ने कर लिया, ये किस किस ने उतार लिया ब्लैक बोर्ड से, किस किस ने कॉपी कर लिया है। तो हम कहते हैं सर मैंने कर लिया, मैंने कर लिया ना। तो उसको बेटे बोलना है इन इंग्लिश आई हैव डन, मैंने कर लिया सर, आई हैव डन। नेक्स्ट, कृपया थोड़ा इधर हो जाइए। बेटे हमने टीचर को कई बार कहना होता कि सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि मैं ब्लैक बोर्ड से लिख सकूं, थोड़ा सा हमने रिक्वेस्ट करनी होती है ना कि कृपया थोड़ा सा सर साइड हो जाइए, हमने लिखना है ना ब्लैक बोर्ड से देख के। कई बार टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो आगे आ जाते ब्लैक बोर्ड के। तो उसके लिए हमने क्या बोलना बेटे, प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ कृपया मूव असाइड, थोड़ा सा इधर हो जाइए। मुझे आता है सर, कई बार टीचर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये किस किस को आंसर पता है इसका, किसको आता है ये क्वेश्चन, तो आपने कहना है आई नो सर, आई नो सर, मुझे पता है सर, मुझे आता है सर, आई नो सर। नेक्स्ट, अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे बेटे परमिशन वाली। कई बार हमने परमिशन लेके क्लासरूम से बाहर जाना होता है तो उसके वो कौन कौन सी परमिशन होती है उसके बारे में नेक्स्ट 5 to 7 सेंटेंसेस हम लर्न करेंगे। सो फर्स्ट है, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ सर? तो इसका आंसर है मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। देखो परमिशन वाले सेंटेंसेस में आपने हमेशा मे यूज़ करना है, ठीक है, मे आई, ये भी जरूरी है कि आई, आई के लिए मे यूज़ करना है, ठीक है, यू के लिए नहीं है, आई या वी के साथ ही यूज़ होता है मे जब परमिशन मांगनी हो। ओके, मे ही नहीं आएगा, मे शी नहीं आएगा, मे दे नहीं आएगा, मे यू नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, मे आए या मे वी। ओके नेक्स्ट, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ सर? मे आई गो फॉर टॉयलेट, मे आई गो फॉर टॉयलेट या मे आई गो टू वॉशरूम सर, ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मे आई गो फॉर प्ले, मे आई गो फॉर प्ले, क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ। नेक्स्ट, क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ? कई बार सर आंसर मांग रहे होते हैं कि भाई रेज योर हैंड्स, हु नोज द आंसर, जिसको आंसर पता है वो हाथ खड़ा करो। तो आप अपना हाथ खड़ा करोगे उसके साथ साथ बोल सकते हो आप, मे आई गिव द आंसर, मे आई गिव द आंसर, क्या मैं आंसर दे सकता हूँ। नेक्स्ट, क्या मैं हाथ धोने जा सकता हूँ? मे आई गो टू वॉश माई हैंड्स, मे आई गो टू वॉश माई हैंड्स, क्या मैं अपना लंच कर सकता हूँ? ठीक है, रिसेस टाइम हम टीचर से कई बार परमिशन लेते हैं कि मैम या सर क्या हम लंच कर लें। सो इसका क्या आएगा, मे आई हैव माई लंच, मे आई हैव माई लंच। तो नेक्स्ट है, क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? बेटे कई बार टीचर समझाता है वन टाइम लेकिन समझ नहीं आता, तो हम चाहते हैं कि टीचर दोबारा बताए ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यू रिपीट प्लीज़, कुड यू रिपीट प्लीज़। देखिए यहाँ पे मे यू नहीं आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था ना वो रॉन्ग है, मे आए और मे वी ही आएगा, मे के साथ यू नहीं आ सकता है, ठीक है।
मे यू रॉन्ग है, कुड यू आएगा, कुड यू। और ये भी जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी को, कोई हमसे बड़ा है बेटे, उस उनको जब रिक्वेस्ट करनी है तब हमने कुड यूज़ करना है। कुड यू रिपीट प्लीज़, क्या आप दोबारा बता सकते हैं प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये भी जब हम टीचर से पूछ रहे हैं कि सर मुझे सम नहीं आ रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसमें, मुझे सवाल नहीं सोल्व करना आ रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कुड यू, क्योंकि किसी सीनियर से किसी बड़े से जब हम पूछते हैं तो कुड, ठीक है। ओके लेट्स मूव अहेड। अब बेटे क्लासरूम में हम कुछ कंप्लेंट्स करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, है ना, तो उस हम वो शिकायत कैसे करते हैं, अपने कंप्लेंट कैसे करते हैं अपने टीचर के आगे, उसके बारे में भी हम लर्न करेंगे। सो पहला सेंटेंस है, वह मुझे तंग कर रहा है, कि सर वह मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, ही इज टीजिंग मी, ही इज टीजिंग मी, टीजिंग मी तंग करना। वह गाली दे रहा है, कई बार ये भी बोलते हैं हम कि वह सर गाली दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही इज यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज, ही इज यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज। लैंग्वेज बेटे जी के बाद ई भी आएगा, ठीक है, तो ठीक कर लेना इसे, जी ई एल ए एन जी यू ए जी ई, वह यूज कर रहा है एब्यूसिव मीन्स गाली गलौच वाली लैंग्वेज। सो नेक्स्ट है, उसने मुझे मारा है, कई बार हम टीचर के पास रोते रोते पहुंचते हैं कि सर उसने मुझे बहुत मारा है ना, उसने मुझे मारा है सर, तो उसके लिए क्या कहेंगे, ही हैज स्लैप्ड मी, ही हैज स्लैप्ड मी, उसने मुझे मारा है, मुंह पे मारा है, जैसे थप्पड़ मारा है तो स्लैप्ड मी, अगर वैसे पिटा है तो ही हैज बीटन मी। ओके नेक्स्ट, वह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कि सर वह मुझे ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा, हम क्या यूज करेंगे, ही इज डिस्टर्बिंग मी, ही इज डिस्टर्बिंग मी। सो स्टूडेंट्स ये आपके बहुत काम आने वाले सेंटेंसेस हैं, इनको राइट डाउन करते जाओ और प्रैक्टिस करो, इसको लर्न कर लो, कल क्लासरूम में आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंप्लेंट्स करनी है सर के पास या मैम के पास जाके। ओके लेट्स मूव इट। वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है, तो कई बार दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, जब आप लोग आपस में लड़ते हो तो वो बताता है अपने पक्ष में, दूसरा अपने फेवर में बताता है, तुम कहते कि नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, सच तो ये है सर, तो वह झूठ बोल रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो इसके लिए बेटे यूज करेंगे हम, समवन हैज स्टोलन माई पेन आएगा, यहाँ पे वाटर बॉटल गलत लिखी हुई है, इसको सही कर लेना, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंसेस बेटे सीखेंगे जिस जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोलते हैं, सब फ्रेंड्स के साथ भी हम कन्वर्सेशन करते हैं ना क्लासरूम में, तो हम वो कैसे करते हैं, तुम क्या क्या बात करते हैं, वो अब हम सीखेंगे। तो पहला, हेलो आप कैसे हैं, तो इसका आएगा हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। नेक्स्ट, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, कई बार अपने दोस्तों को कहते हो अरे यार मज़ा आ गया तुझे देख के ना, तो इट्स सो नाइस टू सी यू, इट इज सो नाइस टू सी यू। नेक्स्ट, तुम क्या कर रहे हो, कई बार अपने फ्रेंड के पास जाके पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, भैया भाई पढ़ रहा है खेल रहा है क्या कर रहा है ना, तो इसका आएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कई बार कहते ना कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प चाहिए यार, एक हेल्प चाहिए थी यार, तो क्या बोलना है हमने, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो बेटे एक हमने पहले ही जो किया था टीचर को जब हमने कह रहे हैं कि आप मेरी मदद करो, तो हमने यूज़ किया था कुड यू, लेकिन अब हम फ्रेंड से पूछ रहे हैं तो ये तो सिंपली पूछेंगे विल यू, जब फ्रेंड से पूछना है तो आप कैन यू या विल यू कह सकते हैं,
जब किसी अपने से बड़े से पूछें तो कुड यू या वुड यू यूज़ कर सकते हैं। अभी तो अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे ही, तो विल यू हेल्प मी, तो हमने क्या कोई हमसे पूछे कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो हम कहेंगे हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उसके लिए क्या बोलना है बेटे, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे मीन्स वी किस तरीके से, तुम्हें क्या मदद चाहिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मीन्स कैसे, हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट क्या आपके पास दो पेन है, कई बार हमारा पेन घर पे रह जाता है, टीचर लिखवाना शुरू कर देता है तो फटाफट पूछते हैं, अरे दो पेन है तेरे पास, साथ वाले से पूछते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, डू यू हैव टू पेन्स, डू यू हैव टू पेन्स, हाँ मेरे पास है प्लीज ले लीजिए, यस आई हैव प्लीज टेक, यस आई हैव प्लीज टेक, या अगर हैव है तो कहते हैं हाँ यस आई हैव प्लीज टेक, हाँ भी है ले लो, नहीं तो हम कहते कि नहीं मेरे पास एक ही पेन है, ये भी हमें कहना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, नो आई हैव ओनली वन पेन, नो आई हैव ओनली वन पेन, या कई बार कहते हैं भाई मेरे पास तो खुद पेन नहीं, मेरे पास कोई पेन नहीं है, है ना, साथ वाले के पास भी पेन नहीं होता, सो उसके लिए यूज होगा आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। नेक्स्ट क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, ये भी अपने फ्रेंड से हम पूछते हैं कि भाई तेने अपना होमवर्क कर लिया है तो नोटबुक वगैरह दे दे मुझे ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, मुझे अपनी नोटबुक दे दो प्लीज, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम कहते हैं कि 5 मिनट के लिए नोटबुक दे दे बस मुझे अपनी, है ना, तो जस्ट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, तो जो नोटबुक लेता है, तो जो नोटबुक दे रहा है वो कहता है कि भाई ले ले कोई बात नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे लुटा देना। तो ये जो क्लॉज है बेटा, जितनी जल्दी हो सके, इसके लिए यूज होता है एज सून एज पॉसिबल, मुझे लुटा देना, प्लीज रिटर्न मी, प्लीज रिटर्न मी एज सून एज पॉसिबल। ये बेटे याद कर लो आप, बहुत काम आता है ये ASAP, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल मुझे लुटा देना, प्लीज रिटर्न मी। नेक्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इसका क्या आएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका हमेशा स्वागत है। तो हम जब हमारा कोई थैंक यू कर रहा है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो खुशी है आप हमेशा मुझे बताते रहिए ऐसे कामों के लिए ना, तो हम कहेंगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। तो कई बार हमारा दोस्त उदास बैठा होता है कोई, तो हम पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, उदास बैठा है, रो रहा होता है, तो हम पूछते हैं क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, तो व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू, तुम इतने उदास क्यों, व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने उदास क्यों, व्हाई आर यू सो सैड, तुम कहाँ जा रहे हो, कई बार हम पूछते कहाँ जा रहे हो भाई तुम, अब कहाँ जा रहे हो ना, तो उसके लिए वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आओ लुक्का छिप्पी खेले। तो बेटे आओ मीन्स आओ होता है लेटस, लेट्स, लेटस मीन्स लेट्स, खेले प्ले, लेट्स प्ले लुक्का छिप्पी हाइड एंड सीक। तो ये तो वैसे गेम है लुक्का छिप्पी हाइड एंड सीक, आप कोई भी गेम यूज़ कर सकते हो, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है, वट एवर द प्ले यू प्ले यू कैन यूज़ देम, ओके, यू कैन यूज दैट वर्ड विच यू वॉन्ट टू प्ले। नेक्स्ट है अलविदा, अब बाय बाय करने के लिए अलविदा, अपने दोस्त को जब हमने करनी होती है तो हम बोलेंगे गुड बाय, अलविदा गुड बाय। ये बेटे अपने फ्रेंड के लिए ही यूज़ करेंगे, फ्रेंड को हमने गुड बाय बोलना है, ओके। नेक्स्ट है कल फिर मिलते हैं, ये भी फ्रेंड को ही कहना है, कल फिर मिलते हैं, तो इसके लिए आएगा सी यू टुमोरो, सी यू टुमोरो।
आपका दिन अच्छा रहे सर, ये अपने सर को बोलना है सर, हमने अपने सर को बोलना है या मैम को बोलना है कि आपका दिन अच्छा रहे। देखो फ्रेंड्स के लिए तो कहना है गुड बाय, बाय बाय, लेकिन सर के लिए कहना हैव ए नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर को, ताकि मैं और भी नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो से सीख सके, इंग्लिश सीख सके और आगे बढ़ सके। सो थैंक यू वेरी मच।